बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मंचूरियन और एग एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो मैंने ये देखे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और ये क्रश चिली है, और इसके अलावा जिंजर और गार्लिक पाउडर लिया है मैंने, कुछ चिकन पाउडर भी है, और ये राइस है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंपल मैंने सॉल्ट डाल के इसको बॉईल किया, और तकरीबन 2-3 घंटे मैं पहले के बॉईल करके इसको रखा हुआ है ताकि ये कोल्ड हो जाए। थोड़े ठंडे होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनती है। इसके अलावा ये देखिए सारी वेजिटेबल जो मैंने इसमें यूज़ करनी है, थोड़ी सी बारीक मैंने कट जो कट की हैं वो मैं राइस में यूज़ करूँगी, और ये देखिए कैप्सिकम मैंने जो तकरीबन 3 से 4 कलर हैं वो मैंने यूज़ किया, स्प्रिंग आनियन है, ये कैरेट है जो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन डाला, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो जो बारीक कट की है वो मैं राइस में डालूंगी। ये देखिए मैंने ये गार्लिक लिया है, और गार्लिक मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, और ये सॉसेज हैं इस्तेमाल की हैं जो मैंने इसमें, तो देखिए आपको साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन सी सॉसेज इस्तेमाल होनी है। अब ये गार्लिक मैंने सबसे पहले राइस तैयार करने के लिए ली है, जिसमें मैंने ऑलिव ऑयल जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने यूज़ किया तकरीबन 2 से 3 चम्मच कर लें, या 3 से 4 आप स्पून भी ले सकती हैं, जिसमें मैंने सिंपल ये गार्लिक को ज़्यादा आप जो है फ्राई नहीं करेंगी क्योंकि आपको पता है ये ब्लैक हो जाता है। मैंने एक एग लिया है, और एग में मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मैंने इसमें साथ ही इसके डाल दिया, बाद लोग इसको लैदा भी करते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये जो ऑयल और गार्लिक और मैंने एग डाल के इसी में मैं करूँगी इसको। गार्लिक आप ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगी, अगर ज़्यादा करेंगी तो कड़वे हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने जो बारीक वेजिटेबल सारी डाली है, जिसमें कैप्सिकम है, येलो है, रेड है, ग्रीन, और इसके अलावा इसमें ये कैबिज है, और मैंने ये सारी चीज़ें और कैरेट भी है इसमें सारी मैंने मिक्स कर ली। लेकिन इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें सबसे पहले सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, और साथ ही मैंने इसके राइस डाल दूंगी। ये देखिए हमारे राइस किस तरह के बने हुए हैं, आपको साफ जो है वो दिखाई दे रहा है, तो हमें इसी तरह के राइस डालने बनाने हैं। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करूँगी, लेकिन इसको ज़्यादा मिक्स करने से पहले ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस जो है वो यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने क्रश चिली ली है, वो आप टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं। फिर मैंने इसमें ये देखिए मैंने चिकन पाउडर थोड़ा सा यूज़ किया है, गार्लिक पाउडर किया है, ये क्यूमन सीड है जो मैंने क्रश किया हुआ लिया, और ये ब्लैक पेपर मैंने ली है वो भी, साथ ही मैंने पेपरिका पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, और विनीगर है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और फिर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस डाल दिया है, और चिली सॉस मैंने डाली है 1 टेबलस्पून, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ऑलिव ऑयल तो हमारा ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, अब हम बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है मैं स्प्रिंग ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने कट किया है, वो इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, और थोड़ा सा एंड में हम गार्निश के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो क्या सही है, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अब मैंने दूसरा पॉट जो पॉट ले लिया है, और इसमें मैंने भी ऑलिव ऑयल और जो है गार्लिक डाल दिया है, और इसको भी सेम इसी तरह ही कुक करना है। इसमें सारी वेजिटेबल जो हमने थोड़े साइज़ में मोटी काटी हुई थी सारी हम इसको इकट्ठी डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको हम हलाएंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा सा, मिक्स करने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, और फिर पेपरिका पाउडर है, तकरीबन वही चीज़ें हैं जो फ्राइड राइस में हमने डाली, क्रश चिली है, और हम केचप डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसके अलावा चिली हमने डाली है। और अब ये मैंने ले लिया है चिकन, बोनलेस चिकन जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में, वो आप अपने हिसाब से क्यूब कितना आपको चाहिए, लेकिन मैंने नॉर्मल क्यूब में लिया। सबसे पहले मैंने एग डाला है, इसमें क्रश चिली डाली है, और मैंने ये डाला है इसमें गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर थोड़ा सा डाला है, सोया सॉस मैंने इसमें डाल दिया है, और विनीगर का 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है, और मैंने रेड चिली थोड़ी सी डाली, और जो है सॉल्ट डाला है। फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
अब हम मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के हम इसमें डालेंगे। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको तकरीबन हाफ आवर के लिए छोड़ भी सकते हैं, 1 आवर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो आपको पता है मैरिनेटेड जो चीज़ें हैं वो तकरीबन थोड़ा टाइम दे तो फिर बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसको मैंने 1 आवर दिया है, तो 1 आवर के बाद हम इसको फ्राई करने लगे हैं। अब 1 by 1 मैंने सारी इसमें चिकन डाल दी है। मेरा जो है वो पैन थोड़ा बड़ा था इसलिए काफ़ी चिकन आ गई है, 1 टाइम में बहुत ज़्यादा आ गई है। हमने इसको जो है वो ज़्यादा कुक नहीं करना, आप ज़्यादा कुक करेंगे तो हार्ड हो जाएंगी, इसलिए हमने नॉर्मल इसको साइड चेंज की है, तो आपको साथ ही पता चल जाएगा। ये देखिए हमारे हो गया चिकन रेडी। अब जो ये मैंने, मेरे से थोड़ी सी डिलीट हो गई थी, इसमें मैंने जो है चिकन क्यूब्स डाल के 2 और मैंने वाटर डाल दिया था, और साथ ही मैंने ये सारे जो चिकन का डाल के, तो कॉर्नफ्लोर डालने वाली जो 2 स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके डाली थी वो मेरे से मिस हो गई, और ये मेरी रेडी होगी डिश।